जय श्री कृष्ण। मैं उर्मी बागड़िया परफेक्ट कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चार तरह की अलग अलग चॉकलेट बनाएंगे। चॉकलेट बनाने के लिए चाहिए हमको डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड और व्हाइट कंपाउंड। आज हम बनाएंगे एक चॉकलेट मेरीगोल्ड बिस्किट का, एक बनाएंगे हम पर्क, तीसरा हम बनाएंगे स्टिकी चॉकलेट, जिसके लिए हमने ऑरेंज क्रश लिया है। इसकी जगह आप ऑरेंज सिरप भी ले सकते हो और दूसरे फ्लेवर का क्रश या सिरप भी यूज़ कर सकते हो। चौथी चॉकलेट हम बनाएंगे जेली बेली चॉकलेट, इसके लिए हमने जेली के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और इसके लिए हमने लिए हैं स्प्रिंकल्स वर्मिसिली। इसमें आप दूसरी डिज़ाइन के भी स्प्रिंकल यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट हम माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं और डबल बॉयलर सिस्टम से भी मेल्ट कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से आज मेल्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डबल बॉयलर सिस्टम से मेल्ट कर रहे हैं। हम नीचे पानी रखेंगे तपेली में और ऊपर हम चॉकलेट रखेंगे। चॉकलेट ज़्यादा मेल्ट नहीं करेंगे, ओवर कुकिंग होने पे चॉकलेट ड्राई हो जाती है। चॉकलेट आप फ्रिज में ना रखें, और यदि आपने फ्रिज में चॉकलेट रखी है तो 2 घंटे पहले बाहर निकालें और नॉर्मल टेम्परेचर में लाएं, फिर चॉकलेट मेल्ट करें तो चॉकलेट में शाइनिंग अच्छी रहेगी। इसको हम हिलाते रहेंगे जब मेल्ट करें तब। ज़्यादा देर तक मेल्ट नहीं करें, नहीं तो आपकी चॉकलेट ड्राई हो जाएगी। चॉकलेट को कंटिन्यू चलाते रहे और मेल्ट होने के बाद इसको अच्छे से फेंट लें। ये हमारी चॉकलेट डबल बॉयलर से मेल्ट हो गई है। ये चॉकलेट हम माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। माइक्रोवेव में 30 सेकेंड करें, फिर चॉकलेट को हिलाएं और वापस से 30 सेकेंड करें। इकट्ठा टाइम देने से चॉकलेट जलने का डर रहता है। चॉकलेट हमने माइक्रोवेव में मेल्ट की है, आधा मिनट किया, फिर वापस आधा मिनट किया। 1 मिनट में हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसको अब अच्छे से हम फेंट लेंगे। चॉकलेट कभी भी फ्रीजर में स्टोर नहीं करें, मॉइस्चर आ जाएगा, फिर आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हम जेली चॉकलेट बनाएंगे। जेली बेली चॉकलेट बनाने के लिए हमने व्हाइट चॉकलेट ली है। आप डार्क और मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। जेली मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ये हम व्हाइट चॉकलेट में डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जेली चॉकलेट बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट और 1 टेबलस्पून जेली। इसके लिए हमने वर्मीसिली स्प्रिंकल लिए हैं, आप दूसरे भी ले सकते हैं और बिना स्प्रिंकल से भी आप बना सकते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए हम सिलिकॉन की ट्रे ले सकते हैं या प्लास्टिक की ट्रे ले सकते हैं। ट्रे में सबसे पहले हम डालेंगे स्प्रिंकल्स। उसके बाद जेली मिलाई हुई हमारी चॉकलेट डाल देंगे। ट्रे में हम 90% चॉकलेट भरेंगे। ज़्यादा चॉकलेट भरने से जब हम ट्रे से चॉकलेट निकालेंगे तब फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। चॉकलेट आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है और ऑनलाइन भी आप चॉकलेट परचेस कर सकते हैं। चॉकलेट आप फ्रीजर में सेट करें तो 5 से 7 मिनट में निकाल लें। ज़्यादा देर रखेंगे तो चॉकलेट पे मॉइस्चर आ जाएगा।
और आप फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। और आपको लंबे समय तक रखनी है चॉकलेट तो आप इसको पंखा या एसी में सेट करें। ये चॉकलेट आप लंबे समय तक रख सकते हैं क्योंकि चॉकलेट के ऊपर पानी नहीं आएगा। हमने चॉकलेट का सारा मटेरियल ट्रे में भर लिया है। अब हम इसको टैप करेंगे जिससे बीच में से एयर निकल जाएगी और एक लेवल हो जाएगा। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। हमारी जेली बेली चॉकलेट को हमने फ्रिज में सेट किया था। अब हम इसको ट्रे से अनमोल्ड करेंगे। इसको आप कोई भी डिजाइन के सांचे में डाल सकते हैं। हमारी जेली बेली चॉकलेट बन गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप ले सकते हैं। पैकिंग करने के लिए रैपिंग पेपर बाजार में अवेलेबल रहते हैं। इसमें राइट साइड नीचे रखें और इसको चारों तरफ से फोल्ड करें। इसमें हमारा डिज़ाइन पूरा दिख रहा है। दूसरी तरीके से ऐसे भी आप रैप कर सकते हैं, टॉफी स्टाइल से इसको फोल्ड करें और दोनों साइड से दबा दें। हमारी जेली पेली चॉकलेट आपको पसंद आए तो हमारी रेसिपी को आप लाइक करें और हमारी रेसिपी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम दूसरी चॉकलेट बनाएंगे, पर्क चॉकलेट। इसके लिए लेंगे हम मिल्क कंपाउंड 70% और डार्क कंपाउंड 30%। इसके लिए आपको मेजर नहीं करना हो तो आप 3 चम्मच मिल्क कंपाउंड ले लीजिए और 1 चम्मच डार्क कंपाउंड ले लीजिए तो आपका 70-30 का रेशियो हो जाएगा। यदि आपको मीठा कम पसंद है तो आप डार्क कंपाउंड ज़्यादा भी ले सकते हैं, 50-50 का रेशियो भी ले सकते हैं। बनाते बनाते ये जम जाए तो इसको आप वापस 30 सेकेंड माइक्रो कर सकते हैं। पर्क चॉकलेट बनाने के लिए चाहिए हमको एक ट्रे, और यदि आपके पास ट्रे नहीं है तो आप बटर पेपर पे भी बना सकते हैं। ट्रे में थोड़ी सी चॉकलेट चारों तरफ लगा लीजिए। चॉकलेट जब रूम टेम्परेचर पे आए, जब बनाए, ज़्यादा गर्म चॉकलेट होने से आपके वेफर बिस्किट सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो चॉकलेट को सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे लाइए, फिर आप चॉकलेट बनाइए। इसको चारों तरफ अच्छे से लगाइए। अब हम रखेंगे इसमें कोई से भी फ्लेवर का वेफर बिस्किट। आज हमने वेनिला वेफर बिस्किट्स लिए हैं। वापस हम ऊपर चॉकलेट डालेंगे, मेल्टिंग चॉकलेट डालेंगे। 2 चॉकलेट हमारी मिक्स है, मिल्क और डार्क। ट्रे में चॉकलेट 90% भरे, ज़्यादा ना भरे। ज़्यादा भरने से जब हम ट्रे से चॉकलेट को अनमोल्ड करेंगे तब हमारा चॉकलेट का से बिगड़ेगा। ट्रे में चॉकलेट भरने के बाद टैप करेंगे। इसी तरीके से हम सारे सांचे में चॉकलेट भर लेंगे और हम इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। पर्क चॉकलेट हमारी फ्रिज में सेट करी हमने, ये चॉकलेट हमारी सेट हो गई है। अब हम इसको ट्रे से अनमोल्ड करेंगे। इस पे हम व्हाइट चॉकलेट को कोन में भर के कुछ भी लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे। पाइपिंग बैग में हमने व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट भरी है। इसे आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हो
और कोई सा भी कोटेशन भी लिख सकते हो और प्लेन भी रख सकते हो। हमने हैप्पी बर्थडे और हैप्पी दिवाली लिखा है, आप हैप्पी राखी या किसी का नाम भी लिख सकते हैं। अब हम तीसरी चॉकलेट बनाएंगे, मेरीगोल्ड बिस्किट की चॉकलेट। इसके लिए चाहिए हमको मिल्क कंपाउंड 50 ग्राम और डार्क कंपाउंड 50 ग्राम। ये दोनों को हम मिलाएंगे और जब हमारा चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे आएंगे तब हम इसकी चॉकलेट बनाएंगे। ये हमने दोनों कंपाउंड मिक्स किए, अब मेरीगोल्ड बिस्किट का चॉकलेट बनाएंगे। इसके लिए हम चॉकलेट के लिए ट्रे लिए मेरीगोल्ड बिस्किट की, इसको हम बटर पेपर पे भी बना सकते हैं। तो पहले हम ट्रे में बना रहे हैं, थोड़ी सी चॉकलेट हम लगाएंगे। चारों तरफ चॉकलेट लगाने के बाद अब हमारा बिस्किट रखेंगे। बिस्किट को थोड़ा प्रेस करें और हम इसमें ऊपर से वापस मेल्टिंग चॉकलेट डालेंगे। जब चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे आए जब हम इसमें डालें, नहीं तो मेरी बिस्किट आपका सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। चॉकलेट ट्रे में डालने के बाद हम इसको टेप करेंगे और फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। एक हम बनाएंगे बटर पेपर पे। बटर पेपर पे बनाने के लिए हम कांटे का यूज करेंगे। बिस्किट को इसमें चॉकलेट में डिप करें। बटर पेपर पे रखें। यदि चॉकलेट की कोटिंग कम हो रही है तो इसको एक बार फ्रिज में सेट करें और वापस से चॉकलेट में डिप करें और रखें। कांटे से उठाने से एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं आएगी और मेरीगोल्ड बिस्किट का चॉकलेट आपका अच्छा बनेगा। मेरीगोल्ड बिस्किट की चॉकलेट हमारी बन गई है। ये हमारी बटर पेपर वाली चॉकलेट है और ये हमने ट्रे में सेट की है। अब हम चौथी चॉकलेट बनाएंगे, स्टिकी चॉकलेट। स्टिकी चॉकलेट के लिए हमने ऑरेंज क्रश लिया है। आप इसके लिए कोई से भी फ्लेवर का क्रश या सिरप ले सकते हैं। जैसे हमारे घर में रोज़ सिरप पड़ा रहता है तो आप रोज़ सिरप या रुआबज़ा ले सकते हैं, पाइनएप्पल सिरप ले सकते हैं, बटर स्कॉच या पिस्ता, कोई सा भी सिरप ले सकते हैं। इसको हम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे जिसे हमारी चॉकलेट के बीच में से निकल नहीं जाए खाते खाते चॉकलेट। इसको सहज जितना गाढ़ा करें। ऑरेंज क्रश हमारा गाढ़ा हो गया है, ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका चॉकलेट में सेंटर करेंगे। स्टिकी चॉकलेट बनाने के लिए हमने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, 50 ग्राम हमने मिल्क चॉकलेट ली है। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे कर लिया। जब ये गाढ़ा हो जाए तब हम कोई से भी शेप की ट्रे में चारों तरफ कोटिंग करेंगे। यदि गर्मी ज़्यादा है तो ट्रे को आप फ्रिज में रख सकते हो, थोड़ी ठंडी हो जाए तो आसपास चॉकलेट ज़्यादा चिपकेगी। इसको हम ट्रे को चारों तरफ हिलाएंगे कि चॉकलेट की चारों दीवार पे हमारी चॉकलेट अच्छे से आ जाए। फिर हम इसको फ्रिज में सेट होने रखेंगे। जब ये सेट हो जाए तब गाढ़ा किया हुआ ऑरेंज सिरप हम इसमें सेंटर करेंगे।
स्टिकी चॉकलेट के लिए हमने ट्रे में चॉकलेट सेट कर लिए है। जो ऑरेंज सिरप हमने गाढ़ा किया था उसकी हम फिलिंग करेंगे। ऊपर से हम वापस से मेल्टिंग चॉकलेट डालेंगे और फ्रिज में सेट करेंगे। सिरप ठंडा हो जाए ऑरेंज का जब हम सेंटर करेंगे, नहीं तो नीचे की चॉकलेट को मेल्ट कर देगा। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसको हम टैप करेंगे और फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। स्टिकी चॉकलेट हमारी सेट हो चुकी है फ्रिज में। अब हम इसको ट्रे से अनमोल्ड करेंगे। स्टिकी चॉकलेट हमारी तैयार है। इसको हम अलग अलग गिफ्ट पेपर में रैप कर सकते हैं। रैप करी हुई चॉकलेट हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो सुंदर दिखती है। इसको हम ट्विस्ट टाई से ट्विस्ट करेंगे और पोटली के शेप में रैप करेंगे। चारों तरफ से इसको हमने बांध लिया है और सेंटर में हमने ट्विस्ट टाई से टाइट कर दिया। हमने हमारी स्टिकी चॉकलेट की कुछ चॉकलेट रैपिंग पेपर में रैप कर ली है। इसको हम गिफ्ट पैकिंग में भी पैक कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग मिलते हैं। इसमें हम चॉकलेट को रैप करके या बिना रैप करे डाल के और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। हमारी चारों चॉकलेट्स तैयार है। ये है हमारी जेली बेली चॉकलेट, ये है मेरी गोल्ड बिस्किट की चॉकलेट, ये है पर्क चॉकलेट और ये है हमारी स्टिकी चॉकलेट। आपको हमारी चॉकलेट की रेसिपीज पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी नई रेसिपी तुरंत मिल जाए।